हाय दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये खबर नर्सिंग प्रोफेशनल के NM से GNM और GNM से पोस्ट बेसिक करने वाले नर्सिंग प्रोफेशनल के लिए है। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और DB Star की ये खबर है और आप खुद भी पढ़ सकते हैं, आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। चलिए आपको पढ़ के सुनाता हैं सारे न्यूज जो मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए माइग्रेशन ज़रूरी नहीं, फिर भी मांग रहे नर्सिंग कॉलेज। इतना ही नहीं, भोपाल में नर्सिंग काउंसलिंग के दफ्तर से 600 रुपये में दिया जा रहा माइग्रेशन, जबकि MP ऑनलाइन से 3250 रुपये में माइग्रेशन दिया जा रहा है। दोस्तों, अब आप देख रहे होंगे इंदौर DB Star की खबर है। माइग्रेशन के नाम पर प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में मनमानी चल रही है। प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों से NM और GNM करने वाले छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए प्रवेश लेते समय माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना अनिवार्य नहीं है, फिर भी कॉलेज मध्य प्रदेश के छात्रों से माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। यह सर्टिफिकेट भोपाल में नर्सिंग काउंसलिंग से लेने पर करीब 600 रुपये फीस ली जाती है, जबकि MP ऑनलाइन से यही सर्टिफिकेट देने के लिए 3250 रुपये वसूले जा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि नर्सिंग काउंसलिंग ऑनलाइन सर्विस के नाम पर छात्रों से कमाई कर रही है। 350 से ज़्यादा नर्सिंग कॉलेजों में इन दिनों GNM और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स में प्रवेश हो रहे हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट को लेकर असमंजस में हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में NM और GNM करने वाले छात्रों के लिए GNM से पोस्ट बेसिक कोर्स में प्रवेश लेने के वक्त माइग्रेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं है, इसके बिना भी प्रवेश लिया जा सकता है। लेकिन प्रदेश के 450 कॉलेज NM से GNM और GNM से पोस्ट बेसिक कोर्स में एडमिशन के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य तौर से मांग रहे हैं। अब आगे आपको खबर पढ़ाते हैं। देखिए, एक ही सर्टिफिकेट के लिए दो फीस में अंतर, 2650 रुपये का अंतर। NM GNM पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग करने वाले छात्रों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट भोपाल स्थित नर्सिंग काउंसलिंग द्वारा जारी किया जाता है। मध्य प्रदेश के छात्रों को वहां से सर्टिफिकेट लेने के लिए मात्र 600 रुपये फीस चालान के मार्फत चुकाना होती है, लेकिन MP ऑनलाइन के माध्यम से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए 3200 रुपये फीस ली जा रही है। इसमें 3000 रुपये माइग्रेशन फीस, 50 रुपये पोस्टल चार्ज और 200 रुपये MP ऑनलाइन के पोर्टल्स का चार्ज लिया जा रहा है। यानी एक ही सर्टिफिकेट के लिए भोपाल और ऑनलाइन की फ़ीस में 2650 रुपये का अंतर आ रहा है। इसके बाद कुछ छात्रों ने बात किया। नर्सिंग छात्राओं का कहना है कि एक ही तरफ सरकार ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ावा दे रही है और दूसरी तरफ इसी सेवा के नाम पर छात्रों से 5 गुना से अधिक फीस वसूली जा रही है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन देने से अच्छा यह होगा कि 1000 रुपये किराया लगाकर भोपाल से ही सर्टिफिकेट ले आएँ, इससे करीब 1200 रुपये की बचत होगी, 1200 रुपये बचेंगे। इसके बाद DB Star ने रजिस्ट्रार नर्सिंग काउंसलिंग से जो बात किया, उनसे क्वेश्चन किया कि GNM और पोस्ट बेसिक नर्सिंग करने वाले छात्रों से माइग्रेशन के नाम पर 3250 रुपये क्यों लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, मध्य प्रदेश के छात्रों से 600 रुपये लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया, लेकिन MP ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन करने वालों को 3250 रुपये चुकाना पड़ रहा है। तो उन्होंने उत्तर दिया, या फिर मध्य प्रदेश के बाहर के छात्रों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने के लिए लिए जा रहे हैं। तो फिर क्वेश्चन किया उन्होंने, मध्य प्रदेश के बाहर के छात्रों को नर्सिंग काउंसलिंग कैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे सकता है, वो तो अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर आएंगे ना। तो उन्होंने उत्तर दिया, यह आपका पॉइंट भी सही है, मैं MP ऑनलाइन के अधिकारियों से बात करती हूँ कि वो किस आधार पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए 3250 रुपये चार्ज कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को, नर्सिंग प्रोफेशनल को जो NM से GNM और GNM से पोस्ट बेसिक करना चाहते हैं और जो माइग्रेशन लेना चाहते हैं, उनको ज़रूर शेयर करें यह वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।